हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गैजेट्स दुनिया में। तो गाइस, अगर आप एक रियलमी लवर हैं तो आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि रियलमी कम बजट रेंज में अपने बेहतर कैमरा क्वालिटी, पावरफुल प्रोसेसर और वैल्यू फॉर मनी के लिए जाना जाता है। तो इस वीडियो में मैंने रियलमी फोन्स के बारे में ही बात करी है जिन्हें आप खरीद सकते हैं 20,000 के अंडर में। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिन्हें उसी कंपनी का फ़ोन चाहिए होता है जिसमें उनको ट्रस्ट होता है, और रियलमी कंपनी में भी काफ़ी ज़्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं। इसलिए हमने डिस्कस करे हैं रियलमी फोन्स के बारे में जो कि आते हैं 20,000 विद बेस्ट स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स। और जिन फोन्स को हमने सेलेक्ट करा है उनमें आपको मैक्सिमम 108 मेगापिक्सल का कैमरा, अच्छा रिफ्रेश रेट सपोर्ट, अच्छी डिस्प्ले के साथ साथ आपको इनमें जबरदस्त गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिलेगा और एक बढ़िया सा सुंदर सा डिजाइन देखने को मिल जाएगा। सो इसलिए अगर आपको भी इसी प्राइस रेंज में एक रियलमी का एक बढ़िया फोन लेना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन सही से मिल पाए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे के भी अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए डिटेल से डिस्कस करते हैं सारे स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स को। तो हमारे लिस्ट का फर्स्ट स्मार्टफोन आता है रियलमी 10 प्रो 5G स्मार्टफोन जो कि आपको मार्केट में 18-19 हज़ार का देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें इस स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस के प्रोसेसर की तो इस स्मार्टफोन में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि एक ऑक्टोकोर प्रोसेसर है, और इसमें आपको 6GB का रैम सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। एंड ये जो स्मार्टफोन है अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है। बात करें अगर इसके डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस की तो 6.72 इंच की एक बड़ी IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी जो कि 1018x2400 पिक्सल्स की होगी। इसके साथ आपको इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। सो आपको स्क्रॉलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और काफी स्मूथ एक्सपीरियंस फील होगा जब भी आप फोन को यूज करोगे, और डिस्प्ले आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। सो जब भी आप मूवी देखोगे या कोई भी वीडियो देखोगे तो आपको कलर्स काफी अच्छे देखने को मिलेंगे। बात करें अगर इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफी फीचर्स की तो इसमें आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जिसमें 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है जिसमें आपको अप टू 6x तक की डिजिटल जूम सपोर्ट देखने को मिल जाती है। एंड दूसरा कैमरा दिया गया है 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा। इसके साथ आपको बैक पे एक LED फ्लैश देखने को मिल जाएगी। एंड ये जो कैमरा होगा वो आपकी वीडियो को 30fps पर फुल HD क्वालिटी में रिकॉर्ड करेगा। वहीं अगर बात करें सामने वाले कैमरे की तो 16 मेगापिक्सल का आपको सामने एक कैमरा देखने को मिल जाएगा विद स्क्रीन फ्लैश। एंड ये जो कैमरा होगा अगर आप सामने से वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो ये वाला कैमरा आपकी वीडियो को 30fps पर सेम फुल HD क्वालिटी में वीडियो को रिकॉर्ड करेगा। अगर बात करें बैटरी स्पेसिफिकेशंस की तो 5000mAh की आपको यहाँ बैटरी देखने को मिल जाती है जो कि 33W की सुपर वुक चार्जिंग को सपोर्ट करती है। सो आपका जो फोन है लगभग 50 से 60 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा बिकॉज इसमें आपको 33W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाती है। और इस फोन में आपको काफी स्टर्डी डिजाइन देखने को मिलती है। सो इस फोन को आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आप रियलमी की तरफ से एक बेस्ट स्मार्टफोन लेना चाहते हैं। सो ये रहे हमारी लिस्ट के फर्स्ट स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स। अब बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के नेक्स्ट स्मार्टफोन की तरफ जो कि आता है रियलमी 9 5G SE स्मार्टफोन। तो ये जो स्मार्टफोन है वो आपको 16 से 17 हज़ार रुपीज में आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा। सेल के दौरान आपको सस्ता भी देखने को मिल सकता है। अगर बात करें इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस की तो इस स्मार्टफोन में आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G का प्रोसेसर जो कि एक ऑक्टोकोर प्रोसेसर है, और यहां भी आपको 6GB की रैम सपोर्ट देखने को मिल जाती है। बात करें अगर डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस की तो 6.6 इंच की एक IPS LCD डिस्प्ले आपको यहां भी देखने को मिलती है जो कि 1018x2400 पिक्सल्स की है, और इस स्मार्टफोन में आपको मिलता है 144Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट। सो ये इस स्मार्टफोन के काफी अच्छा फीचर हो जाता है बिकॉज इस बजट प्राइस पे एक 144Hz रिफ्रेश रेट आना एक बड़ी बात हो जाती है, और काफी सारे स्मार्टफोन्स जो इससे महंगे महंगे आते हैं उनमें भी आपको 140Hz के रिफ्रेश रेट नहीं देखने को मिलती। सो हाँ, ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है आपके लिए अगर आप एक स्मार्टफोन लेना चाहते हैं और उसमें एक स्मूथ एक्सपीरियंस फील करना चाहते हैं। बात करें अगर फोटोग्राफी फीचर्स की तो इस स्मार्टफोन में आपको मिलता है ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप जिसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है जो कि अप टू 10x तक की डिजिटल जूम को सपोर्ट करता है, 2 मेगापिक्सल का एक माइक्रो कैमरा दिया गया है, एंड तीसरा 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा दिया गया है। इसके साथ आपको बैक में एक LED फ्लैश देखने को मिल जाएगी। एंड ये जो कैमरा होगा 30fps पर 4K क्वालिटी में आपकी वीडियो को रिकॉर्ड करेगा। सामने वाले कैमरे की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का सामने कैमरा देखने को मिल जाएगा विद स्क्रीन फ्लैश। एंड ये जो कैमरा होगा अगर आप सामने से वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो 30fps पर फुल HD क्वालिटी में वीडियो को रिकॉर्ड करेगा। सो जो भी लोग कैमरे के लिए अच्छा फोन लेना चाहते हैं रियलमी की तरफ से तो वो इस स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं बिकॉज इस स्मार्टफोन के रियर कैमरे से आप 4K क्वालिटी में वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो हाँ, एक कैमरे के लिए एक अच्छा फोन हो सकता है, और इसमें 144Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है तो डिस्प्ले में भी आपको काफी अच्छा स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर बात करें इस स्मार्टफोन के बैटरी स्पेसिफिकेशंस की तो 5000mAh की आपको यहां भी बैटरी देखने को मिलती है, एंड आपको 30W की डाटा चार्जिंग
चार्जिंग का सपोर्ट इसमें देखने को मिलता है। सो आपका फोन काफी जल्दी चार्ज हो जाएगा और चार्ज होने के बाद लंबा चलेगा भी, बिकॉज इसमें बैटरी बैकअप काफी अच्छा दिया गया है। सो ये रहे हमारी लिस्ट के सेकंड स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन सेट फीचर्स। अब बढ़ते हमारी लिस्ट के थर्ड स्मार्टफोन की तरफ, जो कि है रियलमी नार्जो 50 प्रो 5G स्मार्टफोन। अगर बात करें इस स्मार्टफोन के प्राइस की, तो तकरीबन आपको 15 से 17,000 के बीच में ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। सेल के दौरान इसकी प्राइस इधर उधर होती रहती है, सो अगर आप सेल के दौरान खरीदोगे तो बैंक ऑफर लगा के आप इसे और सस्ता खरीद सकते हो। बात करें अगर इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन की, तो परफॉर्मेंस के लिए इसमें आपको मिलता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 920 का चिपसेट, जो कि एक ऑक्टोकोर प्रोसेसर है, एंड यहाँ भी आपको 6GB की रैम सपोर्ट देखने को मिलती है। अगर बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस की, तो 6.4 इंचेस की आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि 1080x2400 पिक्सल्स की है, और इसमें आपको मिलता है 90Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट। एंड ये जो डिस्प्ले है वो गोरिल्ला ग्लास 5 से प्रोटेक्टेड है, सो इसमें भी आपको डिस्प्ले काफी ज्यादा लाजवाब देखने को मिलती है। 90Hz रिफ्रेश रेट देख के आप इस स्मार्टफोन को इग्नोर मत करिएगा, बिकॉज 90Hz रिफ्रेश रेट में भी आपको एक स्मूथ एक्सपीरियंस फील होगा, और सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, सो आपको जो पिक्चर क्वालिटी है वो इस स्मार्टफोन में काफी अच्छी देखने को मिलेगी। बात करें अगर इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफी फीचर्स की, तो इस स्मार्टफोन में भी आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो कैमरा है, और इसके साथ आपको बैक पे LED फ्लैश देखने को मिलती है। एंड ये जो कैमरा होगा 30fps पर फुल HD क्वालिटी में आपकी वीडियो को रिकॉर्ड करेगा। बात करें अगर सामने वाले कैमरे की, तो 16 मेगापिक्सल का आपको एक सामने भी कैमरा देखने को मिलता है, और सामने से भी आप 30fps में फुल HD क्वालिटी में वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो। बैटरी स्पेसिफिकेशंस की बात करें, तो 5000mAh की आपको यहां बैटरी देखने को मिलती है, जो 33W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। सो ओवरऑल अगर बात करें इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस की, तो काफी ज्यादा अच्छे हैं। अगर आप इस स्मार्टफोन को कंसीडर करना चाहते हैं और आपका बजट है 18,000 से नीचे, तो आप इस स्मार्टफोन को जरूर कंसीडर कर सकते हैं। तो ये रहे हमारी लिस्ट के थर्ड स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स। अब बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के फोर्थ स्मार्टफोन की तरफ। तो फोर्थ स्मार्टफोन है हमारी लिस्ट का रियलमी 9 5G स्मार्टफोन। अगर आपका बजट 16,000 से भी नीचे चला जाता है, तो आप इस स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं, और इसके भी स्पेसिफिकेशंस काफी ज्यादा लाजवाब है। तो चलिए डिटेल से डिस्कस करते हैं इसके भी स्पेसिफिकेशंस। तो अब बात करें अगर इसके परफॉर्मेंस की, तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 का चिपसेट आपको इसमें देखने को मिल जाता है, और ये भी एक ऑक्टोकोर प्रोसेसर है। इसके साथ आपको इसमें 4GB की रैम सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस की बात करें, तो 6.5 इंचेस की एक IPS LCD डिस्प्ले आपको इसमें देखने को मिल जाएगी, जो कि 1080x2400 पिक्सल्स की होगी, और इसमें भी आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है। जब भी आप फोन को यूज करोगे, तो आपको एक स्मूथ एक्सपीरियंस फील होगा। अगर बात करें इसके फोटोग्राफी फीचर्स की, तो इसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें 48 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी कैमरा है, जो कि 10x तक की डिजिटल जूम को सपोर्ट करता है, 2 मेगापिक्सल का एक माइक्रो कैमरा है, और तीसरा 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा प्रेजेंट है। अगर आप इसके रियर कैमरे से वीडियो को शूट करोगे, तो 30fps पर फुल HD क्वालिटी आपको मैक्सिमम मिलेगी। फ्रंट कैमरे की बात करें, तो सेम क्वालिटी आपको रिकॉर्डिंग में देखने को मिलेगी, अगर आप वीडियो को रिकॉर्ड करोगे। एंड जो सामने वाला कैमरा होगा, वो 16 मेगापिक्सल का होगा, सो आपकी सेल्फी काफी अच्छी क्लिक होगी। वहीं अगर बात करें बैटरी स्पेसिफिकेशंस की, तो एक डिफरेंस आपको यहां देखने को मिलेगा पीछे के स्मार्टफोन से, जो कि है इसकी फास्ट चार्जिंग में। सो आपको यहां 5000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि सपोर्ट करेगी 18W के चार्जर को। सो थोड़ा आपको चार्जिंग के लिए ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा पीछे के स्मार्टफोन्स के कंपैरिजन में। सो अगर आप चार्जिंग के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, तो आप इस स्मार्टफोन को भी कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज इसमें आपको 18W का चार्जर देखने को मिलता है। सो आपकी जो बैटरी है, वो लगभग 1.5 से 2 घंटे में फुल चार्ज होगी 0 to 100%, और पीछे के जो स्मार्टफोन है, वो लगभग 1 घंटे में फुल चार्ज हो जाएंगे। सो अगर आप 2 घंटे तक दे सकते हैं, तो इस स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज इस स्मार्टफोन में भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट स्पेसिफिकेशंस आपको देखने को मिल जाते हैं। सो ये रहे हमारी लिस्ट के फोर्थ स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स। अब बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के लास्ट स्मार्टफोन की तरफ, जो कि है Realme 9 Pro स्मार्टफोन। अगर बात करें इस स्मार्टफोन की प्राइस की, तो तकरीबन आपको ये 18-19 हज़ार का देखने को मिलेगा मार्केट में। अगर बात करें इसके स्पेसिफिकेशंस की, तो इस स्मार्टफोन में आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 695 का प्रोसेसर, और ये प्रोसेसर भी एक ऑक्टोकोर प्रोसेसर है। इसमें आपको मिल जाती है 6GB की रैम सपोर्ट। इसके अलावा अगर इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस की बात करें, तो 6.6 इंचेस की आपको यहां एक IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि 1080x2400 पिक्सल्स की है, एंड यहां आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है। सो जिनको भी 120Hz रिफ्रेश रेट चाहिए, वो इस स्मार्टफोन को ले सकते हैं, बिकॉज 120Hz में काफी स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है, एंड डिस्प्ले काफी अच्छी दी गई है। बात करें अगर इसके फोटोग्राफी फीचर्स की, तो इसके फोटोग्राफी फीचर्स भी काफी ज्यादा अच्छे हैं, बिकॉज इसमें आपको मिलता है ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, जिसमें 64 मेगापिक्सल का 6x डिजिटल जूम सपोर्ट के साथ एक प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है, एंड सेकेंडरी आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का एक तीसरा आपको माइक्रो कैमरा देखने को मिलता है।
एंड अगर आप इस कैमरे से वीडियो को रिकॉर्ड करोगे तो आपकी वीडियो को फुल एचडी में 30fps पर रिकॉर्ड करेगा। सामने कैमरे की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का आपको एक सामने भी अच्छा खासा एक लेंस देखने को मिल जाएगा जो कि स्क्रीन फ्लैश सपोर्ट के साथ होगा। और अगर आप सामने से वीडियो बनाओगे तो सेम आपको 30fps पर फुल एचडी क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन यहां भी देखने को मिलेगा। बैटरी स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 5000mAh की आपको बैटरी देखने को मिलेगी जो कि 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगी। सो जिनको भी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट चाहिए और ओवरऑल काफी अच्छे स्पेसिफिकेशंस चाहिए स्मार्टफोन में तो वो इस स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं। सो ये रहे टॉप 5 रियलमी स्मार्टफोन्स अंडर 20,000 और इस सारे स्मार्टफोन्स में काफी ज्यादा अच्छे स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं तो आप किसी भी स्मार्टफोन को अपने बजट के अकॉर्डिंग कंसीडर कर सकते हैं। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड आपकी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गई होगी। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।